सभी को नमस्कार आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसका कि टॉपिक है टीचिंग नोबल प्रोफेशन है ना हम सभी लोग जो भी एकेडमिक ट्रैटर्निटी को बिलोंग करते हैं वो टीचर्स हैं टीचर एजुकेटर्स हैं वुड बी टीचर एजुकेटर्स हैं या इन जनरल पेरेंट्स भी हैं वो भी वो टीचिंग से रूबरू होते रहते हैं उससे उनका पाला पड़ता रहता है तो हम जानते हैं कि टीचिंग किस तरीके का प्रोफेशन है प्रोफेशन है या सेमी प्रोफेशन है या हाफ प्रोफेशन है या ये नोबल प्रोफेशन क्यों कहलाता है hmm. so, तो सबसे पहले एक ब्रेन स्टॉमिंग सेशन की तरह रहेगा ये कि why this session? इस सेशन की इस बातचीत की जरूरत ही क्यों पड़ी कई सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं ओके वाई टीचिंग इज कॉल्ड एज नोबल वॉट आर प्रोफेशन वॉट करेक्टरिस्टिक्स टीचिंग लैक्स एज अ प्रोफेशन ओकेट स्टार्ट दिस जर्नी transformations, Transformations. oh my god, one minute, yes, it is here. Transformations. Transformations means कि जब हम बात करते हैं teaching की तो आज के परिप्रेक्ष्य में टीचिंग जानने के लिए हमको बहुत सारे transformations पर ध्यान देना होगा बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और विद इन दी लास्ट डीकेज है ना या ड्यू टू तो कोविड पैंडमिक विद इन Years, या within few years, या recent past का ये सब transformation है और ये इतना व्यापक हो चुका है कि हम सब ने इसको महसूस किया है तो okay? so सबसे पहले बात करें तो फ्रॉम एल्फाबेट्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉरी मतलब पहले कुछ समय ही पहले जब बच्चा नर्सरी के जी या उसका प्री प्राइमरी प्राइमरी में एडमिशन कराते थे, थे तो अल्फ़ाबेट से शुरू होता था ना ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लेकिन अब इस सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ढक लिया है या आप कह सकते हैं ओवरकम कर लिया हर जगह ए की बात है ए ने बहुत ज्यादा पर्सनलाइज कर दिया है टीचिंग लर्निंग को असेसमेंट सब कुछ एकदम ट्रैक रिकॉर्ड सब कुछ अपने आपके हाथ में तो

फ्लैगशिप uh, प्रोग्राम था इंडिया का जिसमें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने इसको रिकमेंड किया था और उसके बाद ये कंसेप्ट आया मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि अभी 1986 में बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है हम ये बात बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है हम ये बात कर रहे थे कि कम से कम हर विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो हु? यही तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है अब बात हो रही है स्मार्ट बोर्ड की स्मार्ट बोर्ड मीन्स की वो क्या है इंटरक्ट

एथ छोड़ दीजिए एट्थ क्लास से ऊपर जितने भी स्कूल्स विद्यालय महाविद्यालय कॉलेजेस हैं उनमें डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था की जाए हम्म फिर चॉक चॉक टू स्टाइलस पहले बात होती थी डस्टर है ना हम सब लोगों ने वैसे ही पढ़ाई की है अब बात होती है स्टाइलस की स्टाइलस पेन जिससे आप डिजिटल बोर्ड पर लिख सकते हैं है ना तो कितनी चीजें बदल गई हैं तो उन चीजों के परिप्रेक्ष्य में कैसे टीचिंग बदली या क्या टीचिंग को बदल जाना चाहिए हम्म ये हमारी बातचीत का विषय है फिर फ्रॉम डिसाइपल टू डिजी नेटिव्स देखिए पहले बात थी शिष्य की गुरु शिष्य परंपरा हम लोगों ने गुरुकुल प्रणाली से हम लोग पढ़ते आए हैं और अब वो क्या हो गए हैं डिजी नेटिव्स अगर आप थोड़ा भी लिटरेचर पढ़ते होंगे तो ये डिजी नेटिव्स और डिजी डिजिटल नेटिव्स और डिजिटल माइग्रेंट्स का है। फ्रेंड्स की सबसे पहले डिजिटल नेटिव्स और माइग्रेंट्स की बात की अपने एक आर्टिकल में उन्होंने कहा कि डिजिटल नेटिव्स क्या है मतलब के कैसे? कि वो उस युग में मतलब, मतलब, मतलब वर्ल्ड लोकल है आज के बच्चे के लिए क्यों क्योंकि वो उसी में पैदा हुआ है पैदा होते ही उसने सब कुछ सबके हाथ में गैजेट्स देखे और उसको उनको हैंडल करना आ गया और हम लोग क्या है प्रवासी हैं उसके लिए बिकॉज हम तो अपनी आधी उम्र बीत जाने के बाद हमने ये सारे गैजेट्स देखे और अभी भी हम महसूस करते हैं, आ, हैं हमारे मन में इसको यूज करने के लिए जबकि बच्चों के मन में नहीं है और इसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ये देख सकते हैं डिसाइपल मतलब वो इंडिविजुअल जो पूरी तरीके से अपने गुरु पर निर्भर हम्म, और क्या है वो बिल्कुल निर्भर नहीं है क्यों क्योंकि क्यों वो तो तो उनके पास गूगल तो है उनके पास तो स्मार्ट बोर्ड है उनके पास तो आ, इंटरनेट है तो उनको डिपेंडेंसी के टर्म्स में ये पूरा एक आमूल चूल ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम डिसाइपल टू डिजिटेटिव है ना और इंटरनेट के संदर्भ में भी है फ्रॉम एग्जॉस्टिव कवरेज टू कैप्स्यूल पहले क्या होता था

मतलब चॉइस अपने हिसाब से चुन सकते हैं ना चॉइस बेस्ड करिकुलम को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सी बी सी एस का फुल फॉर्म यह है क्या कहता है कि हम क्रेडिट अर्न कर सकते हैं अपने हिसाब से अपनी सुविधा अप, सुविधा नहीं अपनी रुचि के अनुसार से है ना अगर मान लीजिए हम प्योर साइंस बैकग्राउंड के हैं लेकिन हमारी फिलोसफी में रुचि है तो हम फिलोसफी से पांच क्रेडिट अर्न कर सकते हैं या हम पूरी तरह से आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं लेकिन हमको बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि कुछ भी कोई भी विषय आप ले सकते हैं अपनी रुचि का और उस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा ये जो बाउंड्रीज है, के में ये भी जो है जाएंगे और चाहिए। क्योंकि एनईपी बीस बीस ट्वेंटी ट्वेंटी भी यही कह रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी हो मल्टीपल एग्जिट हो मल्टीपल एंट्री मोड हो तो इन सब के लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है पिछले कुछ सालों में है ना फ्रॉम गुरुकुल टू गूगल जैसे फ्रॉम डिसाइपल टू डिजिनेटिव है ना गुरुकुल प्रणाली कहाँ थी और कहाँ अब गूगल है वही गुरु हो गया है सबसे बड़ा और फ्रॉम हाई फाई अप्रोच टू होलिस्टिक अप्रोच पहले था कि एक चीज जो पढ़ाई जाएगी उसी को पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा वो आमूल चूल उसी पर बात होगी और अब तो होलिस्टिक uh, का मतलब होता है बहुत सारी चीजों को हम कवर करें ना होलिस्टिकली परसीव करें इकोनो इमोशनल सोशल साइकोलॉजिकल मेंटल फिजिकल

नेक्स्ट देखिए okay, अब शुरू करते हैं टीचिंग से टीचिंग अगर हम एटाइमोलॉजिकल मीनिंग इसका देखें तो टीचिंग जो शब्द है टीच वो कहाँ से आया है कम्स फ्रॉम द मिडिल इंग्लिश वर्ड टी एन टीचन से आया है जिसका मतलब क्या है टू शो और टू इंस्ट्रक्ट मरियम वेबस्टर डिक्शनरी से लिया गया है मतलब कि कुछ दिखाना या कुछ इंस्ट्रक्ट करना ही टीचिंग है और क्या है सॉरी एसी मॉरिसन एक बड़े विद्वान हुए हैं उन्होंने उनकी एक डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है वो कहती क्या है कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड अ लेस मैच्योर वन व्हिच इज डिजाइंस टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर यानी लेटर कौन सा है लेस मैच्योर वन ना तो ये शिक्षा जो इस प्रकार की इस प्रकार का एक इंटीमेट कांटेक्ट है जो ये बताता है कि ए मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मेच्योर वन मतलब कि दो लोगों के बीच का है किसके किसके बीच का एक पर्सनैलिटी जो मेच्योर है और एक जो लेस मेच्योर है और ये सारा ताना बाना बुना क्यों गया है ताकि जो लेस मेच्योर है उसकी उसको हम शिक्षा दे ठीक है फिर क्या है टीचिंग इज फंडामेंटली अबाउट क्रिएटिंग क्रिएटिंगल सोशल एंड इथिकल कंडीशन अंडर विच स्टूडेंट्स एग्री टू टेक ऑफ देयर ओन लर्निंग इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली मतलब क्या है

जब हम टीचिंग टीचिंग और प्रोफेशनल की क्या? टीचिंग का बन गया है कि होगा, होगा आपके पास है ना आपने वो डाउनलोड किया होगा वाइट हेड जूनियर पे कोडिंग सीखिए या अन अकेडमी पे कुछ कर लीजिए या वेदांतों पे लाइव ऑनलाइन ट्यूटरिंग करिए या क्लास प्लस जो कोचिंग के लिए बनाया गया है तो, ना कुछ आजकल टीचिंग में टीचिंग लर्निंग मेथडोलॉजी में सीनियों में एजुकेशनल वर्ल्ड में ये एक आमूल चूल परिवर्तन आ गया है कि प्रोफेशनल टीचिंग को इन्हीं मायनों से देखा जाता है जबकि सिर्फ यही प्रोफेशनल टीचिंग नहीं है बल्कि प्रोफेशनल टीचिंग या टीचिंग एज ए प्रोफेशन कुछ और है और भी है हम्म अब देखिए प्रोफेशन किसको कहेंगे प्रोफेशन का मतलब कि सिर्फ तब आप उसको प्रोफेशन की संज्ञा देंगे जब उसके पास स्पेशल स्किल एंड नॉलेज हो आपके पास हो वो सबके पास ना हो डिसिप्लिनड डिग्री हो आपने अनुशासित रूप से किसी उसकी डिग्री ली हो कोड ऑफ कंडक्ट या प्रोफेशनल एथिक्स हो उसके गवर्निंग बॉडी हो यानी कि उसको गवर्न करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए और ये डिफरेंट फ्रॉम वोकेशन है कैसे डिफरेंट फ्रॉम वोकेशन है वोकेशन देखिए आप एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं देख सुन के भी आप कोई चीजें सीख लेते हैं लेकिन तब आप उसके प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे लेकिन अगर आप शहनाज हुसैन का नाम है तो वो प्रोफेशनल है और जो कोई ऐसे ही हमको पसंद है और हम कुछ इस तरह का ब्यूटिशियन का काम कर लेते हैं तो वो हमारा वोकेशन है वो हमारा प्रोफेशन नहीं होगा है ना तो ये एक दोनों में डिफरेंस है अगर हम बात करें प्रोफेशनल्स की कि कैसे हम टीचिंग को किस से तुलना करें तुलना करने के लिए और कौन उसके समकक्ष प्रोफेशन है हमारे समाज में तो कुछ प्रोफेशन निकल कर आते हैं जैसे देखिए लॉयर है ना नो डाउट लॉयर इज ए प्रोफेशन डॉक्टर इज ए प्रोफेशन इंजीनियर्स आर प्रोफेशनल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल्स एंड टीचर्स आर तो अगर हम इनकी तुलना करें तो अगर स्पेशलाइज्ड स्किल ले ले लें लें डिसिप्लिन डिग्री गवर्निंग बॉडी ले लें कोड ऑफ कंडक्ट ले लें ले, और फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ले लें लॉयर तो के पास भी स्किल है डॉक्टर के पास भी है इंजीनियर के पास भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास भी और टीचर के पास भी है ना सबके पास अपनी अपनी डिसिप्लिन डिग्री भी है एल एल बी एम बी बी एस बीटेक सी ए नेट पी एच डी आप इसमें करते हैं गवर्निंग बॉडी है सबके पास BCI है बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल बोर्ड ऑफ एक्डिटेशन इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन ऐसे करके ए आई यूजीसी बहुत सारा है ना सबके पास है एक्ट भी एग्जिस्ट करता है सबके पास ट्रेनिंग भी करते हैं लॉयर डॉक्टर्स इंजीनियर्स और सी एस लेकिन जो कोड ऑफ कंडक्ट और ये फॉर्मल ट्रेनिंग है ये यहाँ पर देखिए ये यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म नहीं है कहां पर नहीं के क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट है ऐसा नहीं है जैसे सी एस का है जैसे इंजीनियर्स का है जैसे डॉक्टर्स का है जैसे लॉयर्स का है एंड फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में तो हम एकदम लैक करते हैं अगर आप सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी स्कूल तक की टीचिंग के लिए तो फिर भी बी एड है बी एड जैसा वो करवाते हैं जिसमें अगर आप ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग देखें तो वो इन सबसे थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन हायर एजुकेशन में तो वो इस तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं डिमांड करते हैं ना आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास पी जी हो और आप नेट क्लेरिफाई किया हो आपने क्लियर किया हो

टीचिंग को सेमी प्रोफेशन भी कहते हैं या हाफ प्रोफेशन कहते हैं या ये कहते हैं कि ये ट्रू प्रोफेशन नहीं है बट लेकिन चूंकि तो हम बात कर रहे हैं टीचिंग और टीचिंग किस तरीके का प्रोफेशन है नोबल प्रोफेशन क्यों कहलाता है टीचिंग इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि यस टीचर्स आर आल्सो प्रोफेशनल्स है ना तो अगर हम बात करें तो अगर हम कुछ फेमस कोर्ट ऑन टीचिंग की बात करें तो क्या आएगा कंस्ट्रक्ट हाँ ये समझने के लिए कि टीचिंग क्या है

फिर ये तो आप सभी जानते होंगे विलियम ए वार्ड का कथन है कि मीडियोकर टीचर टेल्स गुड टीचर एक्सप्लेन सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट एंड द ग्रेट टीचर इंस्पायर यानी कि जो इंस्परेशन का काम है वो टीचर ही करता है ना हम लोग अपने टीचर से इंस्पायर होते हैं रोल मॉडल मान लेते हैं उनको उनके जैसा बनना चाहते हैं इसका मतलब कि यस yes, टीचिंग है टीचिंग इज ए प्रोफेशन विच हैज ग्रेविटी विच हैज समथिंग विच अदर प्रोफेशंस लैक हम्म If we 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 teach today's students as we taught yesterday's, rob them of tomorrow. John D .B. का कथन है, वो कह रहे हैं कि अगर हम आज के बच्चों को कल के मेथड से पढ़ाएंगे मतलब कल जो बीता हुआ कल है उसके मेथड से पढ़ाएंगे तो हम उनको आने वाले कल के लिए बर्बाद कर देंगे यानी कि चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि हमको उनको पिछली विधि से नहीं बल्कि कोई नया मैथडोलॉजी नई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी उनको पढ़ाने के लिए ठीक है अच्छा टीचिंग और नोबल प्रोफेशन की अगर बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो मोस्ट बिलवड And of an If the ये एक नोबल प्रोफेशन है जो की व्यक्ति का कैरेक्टर चरित्र उसका कैलिबर उसका भविष्य सब निर्माण करता है और अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद करें तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान हुआ कि ये नहीं चाहते हैं कि उनको एक बढ़िया राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाए बल्कि वो चाहते हैं कि उनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद किया जाए इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये पद है ना

है ना पहले इंडिविजुअल को करेगा फिर सोसाइटी को और करेगा उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल कमीशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन यूनेस्को में उन्नीस में ये एक इंटरनेशनल कमीशन हुआ उसमें भी कहा गया कि द टीचर्स ड्यूटी इज लेस एंड लेस ट and more and more मतलब नहीं करना है वो कम से कम करना है वो तो बच्चा अपने से सीख जाएगा बस हम उसको ये सिखा दे की वो प्रोत्साहित हो जाए सीखने के लिए है ना शी और ही टू प्रोडक्ट इन क्रिएटिव एक्टिविटीज इंटरैक्शन डिस्कशन स्टिम्योवाइडिंग इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना काम ना होकर ये सारे काम होने चाहिए फिर कह रहे हैं वट मेक्स इट नोबल है ना सॉरी क्यों कहा जा रहा है कि टीचिंग जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है क्या चीज है जो उसको नोबल बनाती है सबसे पहली बात देखिए फॉर नॉलेज यानी कि ज्ञान होता है शिक्षक है ना तभी हम ये नॉलेज हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और आप ये वीडियो सुनेंगे ना क्योंकि आप जानना चाहते हैं कुछ नया कुछ अधिक से अधिक कुछ अच्छे से अच्छा जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता सके है ना वो मैकेनिकल नहीं है बल्कि इनोवेशन से भरा हुआ है हम कुछ नया नया करना चाहते हैं नया सीखना चाहते हैं और ये हमारे में जो है बाकी प्रोफेशन से हमको अलग करता है टीचर जो है वो लिसनर है रिसेप्टिव होता है मतलब वो क्लास में जाकर सिंपली ओरेशन ही शुरू करेगा कि आज हमको ये पढ़ाना है और अगर हमको दिख रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स के चेहरे बुझे हुए हैं उनको कोई तकलीफ है कोई बात है जो परेशान करिए तो हम रिसेप्टिव मोड पे होते हैं यानी कि हम उनको सुनना चाहते हैं एक गुड लिसनर होते हैं हम एक गुड कम्युनिकेटर हो सकते हैं है ना ये भी क्वालिटी अलग बनाती है इक्वालिटी है ना अनबायस्ड टीचर कभी भी बायसड नहीं होता है अगर एक अच्छा टीचर है तभी उसको अगर वो बायस्ड है इसका मतलब वो टीचर नहीं है है ना हम अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से देखने की कोशिश करते हैं और सिर्फ अगर हम आ, उनको किसी मायने पर बोलते तो, हैं ऊपर नीचे करते हैं तो वो उनकी ज्ञान का स्तर ही होता है उसी मायने में हम किसी को पसंद करने लगते हैं या किसी को कम पसंद करते हैं ऐसा कहा जा सकता है लेकिन वो भी ऐसा हम ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि हम तुमसे नाराज़ हैं या हमने तुमको कुछ कह दिया बाकी हम हमारे लिए हमारे लिए मतलब सभी टीचर्स के लिए उनके स्टूडेंट्स जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं एडेप्टेबिलिटी िटी एक अच्छे शिक्षक का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है क्यों क्योंकि वो होता है तभी तो वो नई नई शिक्षा पद्धतियों नई नई नए नए तरीके के जो विचार आते हैं शिक्षा में उनको ग्रहण करता करता है 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 और उनके हिसाब से रिएक्ट ठीक फिर डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक का मतलब रिमीडियल अप्रोच राधर टू सर्व डेज पेड हम ऐसा नहीं करते कि हमको जिस हिसाब से आप पे करेंगे उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे टीचर तो जब क्लास में घुसता है तो वो फिर उसी हिसाब से पढ़ाना शुरू करता है जैसे कि उसको पढ़ाना है वो अपना पढ़ाना जो जो उसकी उसकी कला है, जो उसकी शैली है, शैली उसको पैसे के हिसाब से नहीं चेंज करता है किसी प्रोफेशन को डिमीन नहीं कर रही हूँ लेकिन ये ऐसा होता है हम सभी ने इसको महसूस किया है बट टीचर ऐसा नहीं करता है इसीलिए जो प्रोफेशन है वो नोबल प्रोफेशन कहलाता है एफ जी टीचर इज है ना एग्जेम्पलरी और रोल मॉडल होता है हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को कह सकें कि तुमको ऐसा नहीं करना है मतलब जो हम उनसे करवाना चाहते हैं उसके लिए हम उसको वैसा करके दिखाते हैं तभी तो हम बोल पाएंगे ना कि आप ऐसा मत करिए तो ये भी एक बड़ी खास बात है और फिर स्ट्रांग वर्क थी देखिए जब एक बार आप इंस्टीट्यूशन में अपने एंटर कर जाते हैं अपने क्लासरूम में एंटर कर जाते हैं तो हम अपने सब दुख दुविधा परेशानी कंसेप्ट जो भी कंफ्यूजन जो भी मन में परेशानी है उसको छोड़ देते हैं और अपने आप को वर्कथिक हमारा क्या कह रहा है कि जब हम क्लासरूम में हैं तो हम क्लासरूम में बच्चे को सर्व करें जिसके लिए हम वहाँ हैं तो उसको फॉलो करते हैं टीचर्स इसलिए ये तो कुछ हैं जो मुझे अच्छी लगी जो मुझे समझ में आई जो मैंने फील की हैं वो मैंने इसमें नोट किए और बहुत सारी हैं ये क्वालिटीज जो टीचिंग को नोबल प्रोफेशन बनाती हैं ओके देन वट आर चैलेंजेस विच काउंटरिंग दी नोबलनेस मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं टीचिंग अब एक नोबल प्रोफेशन नहीं रह गया है या टीचर्स अब उस तरीके के नहीं रह गए हैं या टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप ऐसा नहीं रह गया है तो हम एक हद तक अगर मानते हैं कि हाँ ऐसा है तो क्या वो कारण है जिसने ये परेशानी उत्पन्न की एक मिनट एक सेकेंड चैलेंजेस काउंटरिंग द नोबलनेस है ना तो कौन से वो चैलेंज हैं जो इस नोबलनेस को हैम्पर कर रहे हैं टीचर स्टूडेंट रेशियो देखिए हम तब अपने स्टूडेंट को समझ सकते हैं और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली रिएक्ट कर सकते हैं जबकि टीचर स्टूडेंट रेशियो लेस हो क्लास में सौ डेढ़ सौ बच्चे होंगे तब हम कहाँ से नोबलनेस लाएंगे और कितना अच्छा पढ़ाएंगे और कितना अच्छा अपने स्टूडेंट को समझ पाएंगे तो ये चीज दिक्कत क्रिएट करती है फिर वैल्यूज तो ओवरऑल डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन सोसाइटी है आइदर ऑन दी पार्ट ऑफ स्टूडेंट और ऑन पार्ट ऑफ टीचर्स तो ये नोबलनेस कहीं ना कहीं कम हुई है क्योंकि वैल्यूज में डिटीरियोशन हुआ है फिर ऑप्टीमल रिसोर्सिस रिसोर्सेज नहीं है कि हम बढ़िया अपने अब तो बढ़िया हो गई है टीचर्स की सैलरी वो भी वो जो सिर्फ सरकारी हैं अभी भी जो सेल्फ फाइनेंस में है जो गेस्ट लेक्चरर हैं जो पे काम करते हैं उनको आप उस तरह से सैलरी नहीं करते हैं दूसरे जो हमारा इंस्टीट्यूशन हैं वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन अभी नहीं बन पाए इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है तो ये सारी चीजें नोबलनेस को प्रभावित करती है ना ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी किस कहीं पर भी बैठ के और कुछ भी हम पढ़ा के एकदम वर्ल्ड क्लास सब कुछ यूज कर कर देंगे ना इतनी भी तो तो हो सकता है है आर एवरीवेयर बट ये ये हम सबसे तो उम्मीद नहीं कर सकते लास्ट देखिए बड़ी खास बात अक्सर आपने देखा होगा कि जब बीएड करने आते हैं स्टूडेंट्स तो वो बहुत सारे और भी काम करते रहते हैं साथ में उनका कभी ये एग्जाम होता है कभी वो एग्जाम होता है वो सिर्फ बीएड नहीं कर रहे होते हैं क्यों क्योंकि वो ये इसलिए करने आते हैं बनना कुछ और चाहते थे और वो कुछ नहीं बन पा रहे हैं इसलिए वो बी कर ले रहे हैं कि एक सेफर साइड में हमारे पास एक जॉब सिक्योर हो जाए तो इस तरीके के के लोग जब टीचिंग में आएंगे तो कहां से टीचिंग एक रह जाएगा है 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 ना ये बात समझने वाली है। materialistic approach, overall, हमारी approach materialistic हो गई भौतिक सुख सुविधा और ये सब चाहने वाले लोग इन जनरल समाज में हैं तो इसने भी इस नोबलनेस को कम किया है एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देखिए टेक्नोलॉजी को इसीलिए

बड़ी भी क्रिएट कर दी अगर हमारे पास साधन नहीं है हमको आता नहीं है हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे शिक्षण हो पाएगा जैसे कि इस कोविड टाइम में है ना पेड क्रीडेंशियल प्रैक्टिस क्या है आपने देखा होगा अक्सर आपके मोबाइल पे मेल पे इस तरीके की मेल्स आती होंगी कि आपको अगर पीएचडी लिखवानी है तो इतने पैसे में लिख ली जाएगी अगर आपको जर्नल में पेपर पब्लिश करवाना है तो इतना रुपया दीजिए और पब्लिश हो जाएगा ये सब प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जो जर्नल वाकई बढ़िया जर्नल होते हैं और आपका पेपर पब्लिश करते हैं वो आपसे पे नहीं लेते हैं, या लेते हैं हैं या तो कुछ नॉमिनल फी पब्लिकेशन की लेते हैं उसी तरह से पीएचडी अगर आप पैसा देकर करवा लेंगे तो फिर आप कैसे जानेंगे ना उसको कैसे नहीं जानेंगे नहीं तो क्लास में पढ़ाएंगे कैसे तो ये जो प्रैक्टिस समाज में आ गई और इस, ये भी कही कहीं ना कहीं क्यों आई वैल्यूज के से आई मेटीरियलिस्टिक अप्रोच से आई इन्हीं से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है तो पेड क्रीडेंशियल प्रैक्टिस की वजह से उस तरीके के टीचर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं और जब टीचर्स वैसे प्रोड्यूस नहीं होंगे तो नोबलनेस भी नहीं रहेगी फिर मार्क्स ओरिएंटेड स्टडी देखिए इसीलिए हम डिग्री de है, चाहते हैं और डिग्री में क्या है सिर्फ देखा जाता है कि आपकी मार्कशीट आप चाहे जितने विद्वान हो लेकिन आपकी मार्कशीट पे अगर एक बार ठप्पा लग गया कि आपके 55 परसेंट से कम मार्क्स हैं तो आप जीवन भर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे क्योंकि Marks, मतलब अगर नौ है तो और एक के, के अंतर अंतर में में कितना अंतर है? तो marks -oriented study है है तो इसका मतलब टीचर भी वही पढ़ाना चाहता है जो कि examination में आएगा और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट वही पढ़ना चाहता है वो जानता है कि एग्जामिनेशन में ये नहीं आना तो उसको पढ़ना भी नहीं चाहता है तो ये सब कुछ उसने खराब किया ना शिक्षण को फिर थ्रेट्स जो नहीं देखे हुए थ्रेट आ गए जैसे कि pandemic, वो तो भला हो ऑनलाइन वर्ल्ड ने हमको बचा लिया वरना तो सब कुछ बंद हो जाता ना कितनी विषद स्थिति हो जाती लेकिन चलिए हम लोगों ने सीख लिया पढ़ना पढ़ाना ऑनलाइन वर्ल्ड में भी काम चल जा रहा है उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन फिर भी काम चल जा रहा है इसने तो भी खराब किया टीचिंग को बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करते हैं ऑडियो वीडियो ऑफ है तो वो वहां है भी कि नहीं और है भी तो वो कितना सुन रहा है, है ना ये सारी बातें फिर रोल मॉडल सिलेक्शन सबसे बड़ी बात की आप किसी से भी पूछिए तो उसका रोल मॉडल क्या होता है या तो क्रिकेटर होता है या कोई सेलिब्रिटी होती है या मुश्किल से हो सकता है कि कोई नेता हो या बस टीचर्स जनरली लोग अपने रोल मॉडल नहीं बनाते हैं जबकि रोल मॉडल टीचर्स होने चाहिए तो अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब कि टीचिंग के प्रोफेशन के नोबलनेस में कुछ कमी आ गई है हुँ? तो ये सब कारण रहे जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है ये मेरा मानना है

डाइवर्सिटी ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स और मल्टी है लैंग्वेज डाइवर्सिटी क्यों क्योंकि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले हैं और आपको सबको सम्मानित भी करना है मल्टी आजकल हो रही है कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैटेगॉजी या सी आर पी की तो आपको सबके कल्चर को सम्मान देना है सबको मतलब कनेक्टेड फील करना है सबको ये फील कराना है की नहीं आप हैं आपकी एग्जिस्टेंस है उसी तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आ गया तो क्लासरूम बहुत ज्यादा डाइवर्स है पहले इतना डाइवर्स नहीं था फिर इंक्रीज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी सभी लोग जान गए हैं कि अनुदेशनात्मक तकनीकी आ गई है और उसने हमारे क्लासरूम टीचिंग लर्निंग को बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है तो इसलिए भी टीचिंग एज अ प्रोफेशन चेंज हो गया ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन शिक्षा में अब जितनी अकाउंटेबिलिटी है उतनी पहले कभी नहीं थी इंक्रीज प्रोफेशनलिज्म ऑफ टीचर्स टीचर्स जो है वो प्रोफेशनल ज्यादा हो गए हैं पहले के मुकाबिक वो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए काम करना चाहते हैं वो करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत बहुत सारे कोर्सेज को करते हैं अपडेट होना चाह रहे हैं ये सारी टेंडेंसी पहले इतनी नहीं थी

तो यहां पे हमको नॉन स्टॉप लर्नर की तरह काम करना पड़ेगा तभी हम अपने रोल को अच्छी तरह से बखूबी निभा पाएंगे जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत बहुत पहले और इतना सटीक कहा था अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रुथ विच वी आर टू फॉरगेट इज अ टीचर कैन नेवर

यानी कि प्रोफेशनल रोल जो है वो टीचर का बहुत 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 तेजी से चेंज हो गया है क्यों क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है समाज चेंज हो रहा है सारी चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही है okay? so, some extent to you people that what type of profession teaching is why it is a noble profession what sort of nobleness it has what are the factors which has created obstacle in this in its nobleness you know so thank you all done from myself